ये खुशी का दिन है कि इंडियन बैंकर्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अब्दुल समी सलमानी और महासचिव समी बाबा सैफी मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चारखा सैफी और चारखा बासी साहब, क्योंकि हम लोगों ने ये मेहनत करके इस ये पिछले वर्ष के लिए ये एक संस्था बनाई, और मैं भविष्य में ये चाहता हूँ कि ये देखिए जो 85% है उनको जो है कोटा, उनके लिए उनको फायदा मिल रहा है, हर जगह वो लोग आ गए हैं, और हम लोग जो 15% है बैकवर्ड है, पिछले जाति के लोग हैं, सबसे पीछे है, एडमिशन नहीं है। जैसे अभी हम लोग बॉम्बे गए तो वहाँ पे पिछले जाति के लिए जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है 5 साल के, सब 1967 का चाहिए, 1967 का रहने वाला चाहिए। तो आप बताइए जो 90, 92, 94, 95 में दिल्ली गए हैं, दिल्ली या बॉम्बे आए हैं, तो उनका ओबीसी दिल्ली में जो पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट बनता है 92 का रहने वाला चाहिए। तो ये देश में क्या हो रहा है, जो पिछली सरकारें आई वो भी पिछले वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, जो अब जो सरकार आई वो भी पिछले वर्गों के लिए कुछ नहीं कर रही है। पिछला वर्ग गरीब तबके का मुसलमान है, दलित है, जैसे 341 धारा के अंतर्गत धोबियों को, हिंदू धोबी को मान्यता है, उसको दर्जा दिया गया, मुस्लिम धोबी को नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, विश्व यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अपने जामिया यूनिवर्सिटी, उसमें भी कोटा हम लोगों का रिजर्व नहीं है, 85% का रिजर्व है, उनका एडमिशन हो रहा है, जो 15% का रिजर्व है उसका एडमिशन नहीं हो रहा। बड़ा दुख की बात है, ये सरकार या जो पिछले सरकारें थी 85% जो हम लोग हैं तो हम लोगों का कोटा नहीं है, जो 15% है उनका कोटा है। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारे जो सारे पत्रकार महोदय आए हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। गरीबों की बात उठाएं तो उसकी पत्रकारिता है ना, इस देश में हम लोगों का जीना दुश्मन है। अगर आप लोग मेरी बात पूरे देश में फैलाएंगे, उठाएंगे, सरकार को ललकारेंगे, तो गरीब पसमंदा बिरादरी को कुछ मिलेगा। इसीलिए मैंने ये हमारे इंडियन बैंकर्स कॉन्फ्रेंस ने तय किया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फोरम रखा जाए, वहाँ आसानी से हमारे जो है सभी साथी, सारे जो है सारे सभी लोग आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि MBBS का एडमिशन, इतनी बड़ी बड़ी डोनेशन, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए लेके एडमिशन किया जाता है। यही देश का कानून है, गरीब बच्चे का कहाँ से एडमिशन होगा, गरीब कहाँ जाएगा, गरीब का बच्चा कब पढ़ेगा, क्या जिंदगी भर भिखारी बना रहेगा। ये मैं आपसे आपके बातों से आपको आप बढ़ाइए कि उनके पास डोनेशन का पैसा नहीं है, तो उनका बच्चा पिछड़ी जाति का कहाँ से MBBS बन जाएगा, कहाँ से इंजीनियर बन जाएगा, कहाँ से डॉक्टर बन जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से कि पूरे देश में ये बात कहा जाए कि पिछड़ी जाति के जो सर्टिफिकेट बनता है पूरे हिंदुस्तान में 5 साल, जैसे 2018 चल रहा है तो 2013 तक लागू कर देना चाहिए। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पूरे देश में हमारी बात पहुंचे। शुक्रिया।